दोस्तों इस मतलबी भरी दुनिया में अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है तो वह फरिश्ते के रूप में एक भगवान आता है। इसी फरिश्ते की मिसाल मयूर सेकले ने, जो कि एक रेलवे में पॉइंट मैन थे, जिन्होंने रेलवे ट्रैक पे एक अंधी माँ के बच्चे जब रेलवे ट्रैक पे गिर गए तो उन्होंने ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही थी और वह बच्चा गिर गया तो कुछ ही मीटर की दूरी पे उस बच्चे से ट्रेन थी, लेकिन वह रेलवे के पॉइंट मैन ने उसे मयूर सेकले ने उससे जाके दौड़ के उस बच्ची को जान बचाई जिनकी माँ अंधी थी और वह रेलवे ट्रैक पे ट्रेन के चपेट में आ सकती थी, लेकिन उस इंसान ने अपनी शाबाशी को जज्बे को दिखाकर उस बच्चे की जान बचाई और पूरे देश में एक मिसाल की। दोस्तों आपने तो देखा इस वीडियो क्लिप के माध्यम से कि एक इंसान ने अपनी जाबाजी और जज्बे के माध्यम से इंसान की जान बचाई, बच्चे की जान बचाई जिन्होंने ट्रेन की चपेट में आ सकते थे, 6 साल के बच्चे की जिनकी माँ अंधी थी वो अपने बच्चे को खो सकती थी और वो ट्रेन की चपेट में आ सकती थी, लेकिन इस इंसान ने अपने हौसले और जज्बे के माध्यम से यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। तो मैं दोस्तों इस कहानी से, इस सिचुएशन से, इस घटना से यही कहना चाहूँगी, आप अपने समाज में, सोसाइटी में, देश में जरूरतमंद लोगों की मदद जरूर करिए। क्या पता भगवान आपको किसी के फरिश्ते के रूप में बनाया और जिस तरह से मयूर सेकले को उस बच्चे की फरिश्ते के रूप में भेजो जिन्होंने बच्चे की जान बचाई और पूरा देश आज उस पर गर्व कर रहा है और रेलवे के कई डिपार्टमेंट हो चाहे देश से उसे एक सम्मानित करने का फैसला लिया है। इसलिए अपने जीवन में जो भी मौके अगर किसी की मदद करने को मिले तो उसे जरूर करिए और अपने मौके को कभी गवाइए मत। क्या पता कि खुदा आपके लिए भी कुछ अच्छे प्लान करके रखे। अगर आप कहते हैं अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो खुदा आपकी मदद करता है, अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो तो खुदा आपके लिए अच्छा सोचता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, लोगों की मदद करिए, आपकी मदद खुदा जरूर करेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों को दिखा सके कि हमारी सोसाइटी में, हमारे देश में ऐसे जज्बे वाले लोग आज भी जिंदा है, ऐसे जीवित है इस मतलब बड़ी दुनिया में। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।